नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं UP24 News। नगर निगम चुनाव को लेकर UP24 News ने आज कृष्णापाड़ा में जाकर मेयर प्रत्याशी को लेकर व्यापारियों की राय जानी कि व्यापारियों और जनता को नगर निगम में किस तरह का मेयर चाहिए। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव लगभग कुछ दिनों में ही बूथ यहाँ फिरोजाबाद में नगर निगम चुनाव के पड़ने वाले हैं और इसको लेकर जनता की और व्यापारियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मेयर पद के लिए, मेयर पद पर जिस तरह का कैंडिडेट उभर कर आएगा, मेयर पद के लिए जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं अपने अपने उसमें कि हर आदमी टिकट का दावेदारी कर रहा है, लेकिन पब्लिक की और जो फिरोजाबाद का जो व्यापारी वर्ग है उसकी प्रतिक्रियाएं उस मेयर पद के कैंडिडेट के लिए क्या होंगी, किस तरह की उम्मीदें व्यापारी वर्ग की होंगी, एक पब्लिक के बेस को लेकर किया जाए। तो यही हम अब इस समय कृष्णापाड़ा सर्राफ चौक पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आइए उन्हीं से बात करते हैं कि मेयर पद का किस तरह का कैंडिडेट वो चाहेंगे। तो जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद सर्राफ व्यापार मंडल से जो मंडल अध्यक्ष हैं मदन लाल वर्मा जी, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है उस उम्मीदवार के लिए जो मेयर पद पर आएगा। वर्मा जी, जिस तरीके से अभी मेयर नगर निगम का चुनाव आ रहा है और तो आपकी व्यापारी वर्ग से आप जुड़े हुए हैं, अच्छे पद पर हैं काफी लंबे अरसे से, तो किस तरीके का आप ये मानेंगे, कैसा मेयर आप चाहते हैं, व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं रखते हैं व्यापारी लोग इस टाइप से? फिरोजाबाद का व्यापारी चाहता है कि फिरोजाबाद के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ऐसा हो जो नगर की जनता को साफ सुथरा प्रशासन दे सके, लोगों की कठिनाइयों को सुन सके, लोगों के प्रति हमदर्दी रख सके, ऐसे स्वच्छ प्रशासक की जरूरत है। अभी तक जब से नगर निगम बना है तब से प्रशासक ही यहाँ पर रहे हैं और नगर निगम के प्रशासकों ने केवल जबरदस्ती अपनी हठधर्मिता के कारण फिरोजाबाद की जनता का शोषण किया है, भय दोहन करके अच्छे अच्छे लोगों को जेलों में डाल करके जबरदस्ती रुपया ऐठा गया है। उसका हमेशा व्यापारी वर्ग ने संघर्ष किया और स्वकर के नाम से जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपने व्यापार मंडल के माध्यम से इसका विरोध किया था, उसका भी इन प्रशासकों पर कोई भी असर नहीं हुआ और इन्होंने अपनी हठधर्मिता बर्दाश्त से बाहर कर दिया। आपका मानना है कि जो प्रशासक जब से नगर निगम फिरोजाबाद में नगर निगम बनी है, प्रशासक हमेशा से हावी रहे हैं, क्या मतलब ये उम्मीद है, शायद आपका ये मानना, ये उम्मीद ऐसी रखते हैं कि मेयर ऐसा हो जो इन चीजों में थोड़ा सुधार लाए, क्या? फिरोजाबाद के बासिंदे होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर प्रशासक आए, हमारे महानगर के जो सदस्यगण होते हैं वो हमारे मोहल्ले की और वार्डों की अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, उन समस्याओं के प्रति जागरूक हो, सहनशील हो और यहाँ की जनता को स्वच्छ प्रशासन दे सके। जो जिस तरीके से हठधर्मिता हमारे व्यापार मंडल ने सही है, उस तरीके की हठधर्मिता का यहाँ पर मेयर नहीं होना चाहिए। ऐसा मेयर होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को हमेशा आधी रात सुने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील। हमारे साथ मदनलाल वर्मा जी जो व्यापार मंडल से मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी यही कहना है कि हमको इस टाइप का मेयर चाहिए जो पब्लिक की समस्याओं को पारदर्शिता से और अच्छे तरीके से पब्लिक की समस्याओं को लेकर चले और किसी भी राजनीतिक तरीके से उस जुड़ाव लेकर ना चले जिससे पब्लिक की किसी भी चीज़ को अनदेखी किया जाए। वहीं एक वो सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं आखिर उनकी किस तरीके की अपेक्षाएं रहेंगी उस मेयर पद के उम्मीदवार के लिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा नाम है मेरा। राजकुमार जी, जैसे नगर निगम का चुनाव आ रहा है तो उसमें किस तरीके से, क्या उम्मीदें आप रखते हैं कि इस टाइप का मेयर होना चाहिए? उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग कि भाई जो पद मेयर पद का जो उम्मीदवार आएगा जीत करके, किसी भी पार्टी का आए, तो जनता के हित में वो कार्य करे। जिस तरीके से ये लोग चुनावों में वायदे करते हैं, आश्वासन देते हैं, समझे, भरोसा दिलाते हैं जनता को, उसके चुनाव जीतने के बाद भी उतने ही ये खड़े अपने पैमाने पर उतरे जिससे आने वाले अगले चुनावों में भी हम इनको अच्छी दृष्टि से देख सकें।
तो राजकुमार जी का यहाँ कहना था कि कैंडिडेट जो भी आते हैं वो चुनाव के टाइम में इस तरीके के वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, जिससे कि जनता का विश्वास पर भी आघात होता है। और लेकिन कैंडिडेट ऐसा हो जनता से जो वादे कर रहा है वो पूरे तरीके से उन पर निष्पक्ष तरीके से उनको पूरा करे, जो जो वादा करते हैं वही चीज़ लास्ट तक उनकी मौजूद रहे। वही एक और हमारे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछते हैं जी, क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, व्यापार मंडल से आप जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं आप, तो किस क्या नजरिया है आपका? नगर निगम का चुनाव आ रहा है और तो किस तरीके से? मैं भी यही जानता हूं कि जो भी हमारे मेयर बने तो वो हम लोगों की जो चुनाव के वक्त जो बताते हैं कहते हैं जी, तो वो सब बातों पे खरा उतरे। नहीं, ये इस तरीके से आप मानते हैं कि चुनाव के टाइम में जब चुनाव आते हैं तो कोई भी जितने भी कैंडिडेट हैं, पार्षद पद का हो या मेयर पद का हो, तो वो कैंडिडेट इस टाइप से कहते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, क्या आपका ये मानना है कि वो जो वादे वो करते हैं वो जब उनको पद मिल जाता है तो उसके बाद वो अपनी गरिमा को जनता के लिए भूल जाते हैं? सब भूल जाते हैं, सब ऐसे ही होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो भी पार्षद हो या मेयर साहब हो, कोई भी हो, वो खरा उतरे, जो वायदे करे उन वायदों पे बिल्कुल खरा उतरे, मैं यही चाहता हूँ। तो इनका भी जो व्यापारी वर्ग से ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका भी यही कहना है कि जितने भी हम व्यापारियों से यहाँ मिले हैं, जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, उन सभी का ये कहना रहा है कि जो भी हमारा मेयर पद पे आए चाहे पार्षद पद पे आए, वो कैंडिडेट उभर कर आना चाहिए जो कमिटमेंट, जो वादे पब्लिक से या जनता से या व्यापारियों में जो उनका निकलना होता है, उनसे जो कमिटमेंट या वादे करते हैं वो पूरे तरीके से पूरे कर सके। अदरवाइज किसी राजनीतिक दल को लेके अगर अपनी मंत्रणा बनाए तो इस टाइप का हमें इसी भी तरह का कोई मेयर या कोई पार्षद प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। सहयोगी साहिल खान के साथ राहुल चौहान, UP24 न्यूज, फिरोजाबाद। अब आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है मैरिसन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन की अच्छी व्यवस्था है। इस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उत्तम व्यवस्था है। रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल की व्यवस्था भी है, जहां एक कार्यक्रम करने की व्यवस्था है। वहीं इस रेस्टोरेंट में अच्छा और सही दामों में भोजन मिलता है। हमारे यहां एसी और नॉन एसी की व्यवस्था भी है, आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है निकट कोटला चुंगी चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर राजेंद्र तिवारी और संजय अग्रवाल।